किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कीटनाशक खरीदते वक्त परिवहन व भंडारण के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि कीटनाशकों से परिवहन व भंडारण में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कीटनाशकों का प्रबंधन एवं निपटान कैसे किया जाए। चलिए किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कीटनाशकों के प्रबंधन के विषय में। किसान मित्रों, कीटनाशक का प्रयोग करते समय कुछ भी खाएं पिए नहीं, धूम्रपान भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कीटनाशक के कण शरीर में प्रवेश कर नुकसान पहुंचाते हैं। किसान मित्रों, सही पैमाने का प्रयोग करके ही कीटनाशकों को मिश्रित करें। कुप्पी का इस्तेमाल करते हुए बिना गिराए भरें, लकड़ी के पैडल से अच्छी तरह मिलाएं। छिड़काव करने वाली पाइप के नोजल को कभी भी मुंह से फूंक कर साफ ना करें। कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त अपने चेहरे को कपड़े या नकाब से ढक कर रखें और शरीर के बाकी हिस्सों को भी पूरी तरह से कपड़ों से ढक कर रखें। कीटनाशक का घोल बनाते वक्त हमेशा हाथों में दस्ताने पहने। किसान मित्रों, आंखों की सुरक्षा के लिए आंखों को ढकने के लिए चश्मे का प्रयोग करें। इसके अलावा किसान मित्रों, कीटनाशकों का प्रयोग करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि कीटनाशक शरीर से दूर जमीन पर जाकर गिर रही हो, ना कि शरीर के ऊपर। और किसान मित्रों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि हमेशा हवा की दिशा में छिड़काव करें। हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव करने पर रसायन वापस आपके शरीर पर आकर गिर सकते हैं। साथ ही बच्चों को स्प्रे न करने दें। छिड़काव में प्रयोग होने वाले उपकरणों में अगर छेद हो और उससे कीटनाशक का रिसाव हो रहा हो, तो ऐसे उपकरण की मरम्मत करवा लें या फिर प्रयोग में ही ना लें। छिड़काव करने के बाद अपने चेहरे एवं हाथों को अच्छी तरह से धो लें। किसान मित्रों, प्राथमिक उपचार बक्सा हमेशा अपने साथ रखें। किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर तुरंत ही पास में उपलब्ध चिकित्सक की मदद लें। आइए किसान मित्रों, प्रबंधन के बाद अब कीटनाशकों का निपटान कैसे किया जाए, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। किसान मित्रों, शेष बचे हुए कीटनाशक को शौचालय के लिए प्रयोगरत गड्ढे में डालें, अन्यथा अलग से एक गड्ढा बनाकर उसमें डाल दें। गड्ढे को घर एवं खेत से 100 मीटर की दूरी पर बनाएं तथा कीटनाशकों को उसमें डालकर तुरंत ढक दें। शेष बचे हुए कीटनाशक को ऐसी जगह पे न बहने दें जिससे कि वो पीने एवं कपड़े धोने के पानी के संपर्क में आ जाए। ऐसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। कीटनाशक के डब्बों को नष्ट कर जमीन में गाड़ दें। कागज या कार्डबोर्ड से बने डिब्बों को जलाकर नष्ट कर दें। ध्यान रखें, पीवीसी से बने डब्बों को आग में ना जलाएं। ऐसा करने से वातावरण में प्रदूषण फैल जाएगा। कीटनाशक के डब्बों को साफ कर घरेलू इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कीटनाशक के कण शरीर में प्रवेश कर नुकसान पहुंचाते हैं। किसान मित्रों, हमें यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो भी सुरक्षा के उपाय बताए हैं, आप उन्हें आवश्यकता अनुसार अपनी कृषि क्रियाओं में जरूर लागू करेंगे, क्योंकि जो रसायन आपकी खेती को रोग मुक्त कर सकते हैं, वही रसायन आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकते हैं।